तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स सुबह सुबह ही छत पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ छत का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। बच्चे जा चुके हैं फ्रेंड्स स्कूल में, और बच्चों की सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी होती है फ्रेंड्स, तो मैं मॉर्निंग वॉक वगैरह कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो बच्चे चले गए हैं तो मैं चलती हूँ छत पे। तो मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए छत पे आ गई थी, और धूप नहीं आई है फ्रेंड्स अभी। तो मैंने सोचा था कि धूप आ गई होगी तो धूप भी सेक लूँगी और थोड़ा सा वॉक करके आ जाऊँगी। तो धूप थी नहीं, तो वैसे ही मैं वॉक करके, और अच्छा लग रहा था सुबह सुबह छत पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जाऊंगी नीचे। काफ़ी देर हो गई है मुझे छत पे आए, और चलती हूँ नीचे क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के जाने के बाद में पूरा घर फैला हुआ है, तो मुझे घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है। और जीने में देखो फ्रेंड्स, डॉगी बैठा हुआ है तो ये भी देख रहा था कि मेरा वीडियो बन रहा है और आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं नीचे, और अब दरवाज़ा बंद करके लग जाती हूँ अपने काम में। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स, सीधा ही किचन में चली गई थी, और पतीले में जो एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ था तो मैं उसी को गर्म करके और छोटे बर्तन में डाल के रख दूँगी। और रस का जो डिब्बा था वो भी मैंने रैक में रख दिया है फ्रेंड्स। और इधर में सोफ़ा कवर वगैरह भी झाड़ दिए हैं। देखो बच्चे हैं ना, नहा धो के तौलिया वगैरह ऐसे ही फैला के चले जाते हैं, तो मैंने इनको भी धूप में डाल देती हूँ और फिर लगा लेती हूँ फ्रेंड्स मैं झाड़ू, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के जाने के बाद में ही ये सारे काम कर पाती हूँ, सुबह सुबह नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों की भागा दौड़ी होती है, इतनी टिफ़िन वगैरह बनाना। तो कर लेती हूँ फटाफट से मैं झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग में भी कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ और बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। सुबह के बज गए हैं 11, तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और फ्रेंड्स देखिए 11 बज गए हैं और मेरा हो गया है सारा काम, फिनिश हो गया है, घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और मेरा है नाना बाकी। तो मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए और फिर बनाऊँगी मैं खाना वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बालकनी में और दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। और सबसे पहले तो यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है, और वो भी 11 बज गए हैं तब जाके हल्की हल्की धूप दिख रही है, नहीं तो सुबह तो धूप भी नहीं थी जब मैं छत पे गई थी, तो बिल्कुल धूप नहीं थी फ्रेंड्स। और इधर में देखिए सर्दी की वजह से हमारे पौधे भी, देखिए तुलसी के पौधे भी देखिए कैसे हो गए हैं, मुरझा गए हैं सारे, है ना, सारे पौधे देखिए फ्रेंड्स। और हमारा एलोवेरा देखिए कितना फैल गया है फ्रेंड्स। और मैं क्या दिखाने लाई हूँ आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद में मेरे इस गुलाब के पौधे पे फ्लावर खिल गया है देखिए। और इधर में एक छोटी सी कली भी, ये भी फ्लावर बन जाएगी 1-2 दिन में, है ना। पर ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा मुझे। और मुझे रोज के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। देखिए कितना करीब से दिखा रही हूँ आप लोगों को, है ना। फ्रेंड्स हो गया है मेरा नहाना धोना, और नहा धो के हो गई हूँ फ्रेंड्स मैं रेडी। और टाइम हो गया है, 1 बज चुका है फ्रेंड्स। नहा तो मैं पहले ही ली थी, आधा घंटा हो गया मुझे नहाए हुए, और थोड़ा सा बस कपड़े वगैरह चेंज करने में, पूजा वगैरह करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया है फ्रेंड्स। तो अब जाऊंगी मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने डाल लिए हैं बाल्टी में कपड़े, और अब मैं छत पे सुखा के आऊंगी कपड़े, क्योंकि फ्रेंड्स 2 दिन से मैं छत पे नहीं जा रही थी कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़े सूख ही नहीं रहे थे नीचे, तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा कपड़े सुखाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ऊपर। और ऊपर जाने से पहले आप लोगों को मैं अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों ने मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, और नहा धो के, और मेरे लड्डू गोपाल जी मंदिर में विराजमान हो रखे हैं फ्रेंड्स। और काफ़ी देर हो गई मुझे दिया लगाए हुए, और अभी तक दिया जल रहा है फ्रेंड्स। देखिए मैं अच्छे से इसमें तिल का तेल भर देती हूँ दिए में, तो काफ़ी देर तक दिया जलता है हमारा, और मैं तिल के तेल में ही दिया जलाती हूँ फ्रेंड्स। और मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, माखन मिश्री, और इसमें है ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स मैं एक डिब्बे में डाल के ही रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है जिस टाइम पे यानी कि भोग वगैरह ना लगा पाए हम, तो मैं हमेशा कान्हा जी के पास में ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा रखे रहती हूँ।
और सभी भगवान का दर्शन कर लीजिए आप लोग, आशीर्वाद ले लीजिए। और अब चलते हैं फ्रेंड्स ऊपर और कपड़े सुखा के आते हैं। फ्रेंड्स कर लिए आप लोगों ने लड्डू गोपाल जी के दर्शन, तो कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं फ्रेंड्स छत पे और धूप में कपड़े सुखा के आएंगे और थोड़ी सी धूप भी लगा के आऊंगी। तो खोल लिया है दरवाजा और अब चलते हैं। तो आ गए फ्रेंड्स छत पे और काफी ऊपर आना पड़ता है, सांस भर आती है मेरी तो चढ़ते चढ़ते जीने में। और फाइनली पहुंच गए ऊपर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं छत पे और धूप अच्छी आ रही है, तो कपड़े बाद में सुखाऊंगी, थोड़ा सा घूमती हूँ मैं। और अरे ये छत पे काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स धूप में सर्दियों के टाइम पे। और अभी मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग। लंच का टाइम भी हो गया है हमारा, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नीचे। तो आ गए फ्रेंड्स नीचे, बंद कर देती हूँ दरवाजा भी, टाइम हो गया है फ्रेंड्स 1:15 बज गया है और अब मैं खाना बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स खाना बना के मुझे जाना है अर्जेंटली हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ फ्रेंड्स वो भी आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, और वहीं जाके बताती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं क्यों जा रही हूँ। और तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ और मैं अब वीडियो शूट नहीं करूँगी, घर से निकलूँगी तो मैं आप लोगों से बात करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हो गया है खाना पीना अच्छे से हो गया है हमारा और मैं हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से क्योंकि आज था हाफ डे, शनिवार को हाफ डे होता है तो आ गए हैं। और अनुषा के साथ में देखो श्रेष्ठा भी आ गई है, और ये देखो श्रेष्ठा, ये श्रेष्ठा हेलो, ये देखो हेलो, क्या खा रहे हो आप? लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। श्रेष्ठा लॉलीपॉप खा रही है, बोले हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, हाउ आर यू। चलिए फ्रेंड्स अब इनको यहाँ छोड़ के जाती हूँ और मैं निकलती हूँ अब। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ और हॉस्पिटल के लिए, और मैं बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही हूँ है ना। और अभी आती हूँ फ्रेंड्स और बताती हूँ, वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा आप लोगों को भी है ना, और बताती हूँ फ्रेंड्स, तो बने रहिए आप लोग। बाय 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 बाय, इसको देखो, इसको देखो आप, इसको बाय मम्मा। तो चलिए फ्रेंड्स निकलती हूँ, काफी लेट भी हो रहा है, और अब हॉस्पिटल जाके मिलूंगी आप लोगों से, तब तक बने रहिए आप लोग। पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, तो चलती हूँ अभी ऊपर। तो फ्रेंड्स पहले दिखा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स दिखा लिया है मैंने डॉक्टर को भी, और अब चलते हैं घर पे, रिक्शा ले लिया है और जल्दी से दिखा लिया डॉक्टर को क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी हॉस्पिटल में है, तो जल्दी से दिखा के आ चुकी हूँ और अब घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज बने रहिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 4:45 बज गए हैं, और आते आते देख ले इतना टाइम हो गया है फ्रेंड्स। बाकी मुझे हॉस्पिटल में इतना टाइम नहीं लगा है, बस थोड़ा सा आने जाने में ही टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक भी था और थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल हमारे यहाँ घर से। और वहीं पे जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी दिखाने, वहीं पे आयुष के पापा की ड्यूटी थी, तो जल्दी से मुझे डॉक्टर को दिखा दिया, तो हॉस्पिटल में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है फ्रेंड्स, और बस थोड़ा सा आने जाने में टाइम लग गया है। और मेरे को क्या दिक्कत हुई है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, और पहले उससे पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और इधर मैं बच्चों के लिए लाई हूँ समोसा कचौरी, तो आ जाइए फ्रेंड्स समोसा कचौरी की पार्टी करते हैं। और अभी आयुष और अनुषा किचन में लगे हुए हैं तो चाय बना रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और फ्रेंड्स देखिए मेरे इस हाथ राइट हैंड में थोड़ा सा पेन हो रहा है, काफ़ी दिन से मैंने कभी ब्लॉग में भी नहीं बताया,
वीडियो शूट नहीं होती है, सात से ज़्यादा देर कैमरा ये सॉरी फ़ोन नहीं पकड़ा जाता है मेरे से। तो यानी कि अभी मैं दिखा के ही आई हूँ, तो बताती हूँ आप लोगों को डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो में और कपड़े चेंज करके मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स कर लिए हैं मैंने, कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब चलिए फ्रेंड्स समोसा कचौरी की पार्टी करते हैं। और अभी देखिए आयुष उतार के लाया छत से कपड़े, है ना, छत पे कपड़े सुखा रखे थे तो आयुष उतार के लाए हैं। अनुषा ने बना ली है इधर में चाय, देखिए अभी बॉयल नहीं हुई है, चाय बन गई है। और इधर में अनुषा निकाल रही है समोसे कचौरी, है ना, अभी इनकी समोसा कचौरी की पार्टी होने वाली है। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी। आज मैंने डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर ने थोड़ा यानी कि जो भारी काम होता है ना वो सब करने के लिए मना कर दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि हाथ में ज्यादा दिक्कत हो गई है मुझे। और इसीलिए देखो बच्चे काम कर रहे हैं, कपड़े भी उतार के लाया आयुष, है ना। और पता नहीं मुझे आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, है ना। तो फिर भी चलो कोई नहीं, मैंने दिखा लिया डॉक्टर को और देखते हैं कब तक आराम आता है। और मेडिसिन वगैरह भी दी है तो वो भी मैं सब लेती रहूंगी टाइम से। और उससे पहले फ्रेंड्स हम चाय पियेंगे क्योंकि चाय का टाइम हो गया है हमारा, है ना, चाय पी लेते हैं। और आयुष अभी लग गया है कचौरी समोसे निकालने में। हमारी समोसा कचौरी की पार्टी शुरू हो गई है, तो देखिए चाय भी बन गई हमारी, अनुषा ने बनाई है चाय। और आजकल इवनिंग चाय तो अनुषा ही बनाती है, और ले आई हूँ मैं चाय भी डाल के। और ये देखो दोनों लग गए हैं समोसा कचौरी खाने में, है ना, है ना। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए। और जब भी बाहर जाना होता है तो फ्रेंड्स मन करता है कि बच्चों के लिए कुछ ले लूं, तो गई थे तो ही हॉस्पिटल पर ले आई बच्चों के लिए समोसा कचौरी। तो अभी हम चाय वाय पी लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल जाती हूँ ना तो मेरा हो जाता है सर भारी भारी, दवाइयाँ चढ़ जाती है मेरे तो सर में, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए और मिलते हैं अभी चाय वगैरह पीने के बाद में, समोसा कचौरी की पार्टी के बाद मिलते हैं आप लोगों से, तो बने रहिए वीडियो में। बाय बाय। तो आ जाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हो गई हमारी चाय और समोसा कचौरी की पार्टी भी हो गई है, और मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और आ गई हूँ फ्रेंड्स, दूध भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो दूध भी गर्म होता रहेगा और मैं आप लोगों से बात करती रहूंगी फ्रेंड्स, और बताती हूँ कि मुझे क्या दिक्कत हुई थी और मैं क्यों गई थी हॉस्पिटल, है ना। और ये दिक्कत तो मुझे काफी दिन से चल रही थी फ्रेंड्स, पर मैंने आप लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं किया है, तो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ जब सामने ही आ गई है बात तो। और फ्रेंड्स तो मुझे काफी दिन से हाथ में पेन हो रहा था मेरे सीधे हाथ में, राइट हैंड में, है ना। तो ये ज्वाइंट होता है ना, ये ज्वाइंट में कोनी में, तो यही हड्डी में दर्द हो रहा था मेरे को, है ना। तो जब भी मैं कोई भी भारी सामान वगैरह उठाती थी तो ज्यादा दिक्कत होती थी, तो आज मुझे ज्यादा हो गई तो मैं आज हॉस्पिटल चली गई थी फ्रेंड्स दिखाने के लिए। और जहाँ हॉस्पिटल गई थी वहीं पे मेरे हस्बैंड भी वहीं ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, डॉक्टर ने फटाक से देख लिया था और मैं आ गई थी जल्दी वहाँ से। और जो भी कुछ बताया तो वो मेरे हस्बैंड के साथ में बातें हुई है, मुझे इतना पता नहीं है, पर मेरे हाथ में दिक्कत है तो मुझे हैवी सामान वगैरह उठाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने भी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कब तक आराम होता है इसके अंदर में। और हाथ भी तो फ्रेंड्स सीधा हाथ रह गया है, सारा काम इसी से होता है। और सबसे ज्यादा तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत आती है, ज्यादा देर मोबाइल नहीं पकड़ सकती हूँ मैं, इस हाथ से दर्द होने लग जाता है, फिर भी उसके बाद भी वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो जब बस यही मेरे साथ में दिक्कत थी फ्रेंड्स, तो आज मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है, तो जल्दी से आराम हो जाए बस, और तो कुछ नहीं फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।